वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। सूर्य उपासना के पर्व छठ का आज आखिरी दिन, उगते सूर्य को दिया जा रहा अर्घ। घाटों पर सुबह से ही उमड़ी व्रतियों की भीड़, दिल्ली से लेकर बिहार तक बिखरे अद्भुत रथ। पटना के कॉलेज घाट पर उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे लोग, सूर्यदेव को जल चढ़ाकर मांगा आशीर्वाद। दिल्ली के कश्मीर गेट पर भी उमड़ी व्रतियों की भीड़, पूजा का सामान लेकर उगते सूर्य को लोगों ने दिया अर्घ। गोरखपुर के सूरज कुंड धाम में कमर तक पानी में खड़े होकर लोगों ने की सूर्यदेव की उपासना, परिवार के लंबे उम्र के लिए की प्रार्थना। महापर्व छठ के तीसरे दिन कल डूबते सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ, पटना के गंगा घाट में लाखों लोग उमड़े। सीएम नीतीश कुमार भी छठ घाट पर पहुंचे छठी मैया से लिया आशीर्वाद। कोलकाता में मना छठ का महापर्व, सीएम ममता बनर्जी ने छठ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अगरतला में मनाया गया छठ का महापर्व, सीएम विप्लव कुमार देव ने छठ पूजा में किया शिरकत। देश की राजधानी दिल्ली में कल डूबते सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य, भोजपुरी गानों पर जमकर झूमे लोग। वाराणसी गंगा घाट में हजारों भक्तों पर चढ़ा आस्था का रंग, श्रद्धालुओं ने की भगवान भास्कर की पूजा। बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा के दौरान भगदड़ हादसे में दो मासूमों की मौत, कई लोग घायल। कल शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद बेकाबू हुई भीड़, औरंगाबाद के डीएम ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में छठ पूजा आयोजन में आए दो युवक नदी में डूबे, एक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी में छठ घाट से डाला लेकर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, घात लगाए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बैंकॉक में पीएम मोदी ने 370 हटाने का खास अंदाज में किया जिक्र, कहा आतंक के बीच से देश को क्या मतलब, कि आतंक और अलगाव के बीच बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पीएम मोदी की बात का हजारों लोगों ने खड़े होकर किया स्वागत, पीएम ने कहा आपका स्टैंडिंग ओवेशन भारत की संसद के लिए है। बैंकॉक के निम्बुत स्टेडियम में स्वास्थ्य मोदी कार्यक्रम में बोल रहे थे प्रधानमंत्री, ह्यूस्टन के हाउडी मोदी के तर्ज पर आयोजन। पीएम मोदी ने सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का किया जिक्र, कहा दुनिया में अब गौर से सुनी जाती है भारतीयों की बात। लोकसभा में प्रचंड जनादेश पर बोले पीएम मोदी, कहा जो काम करता है उसी से लोगों को होती है उम्मीद। जो काम नहीं करता है लोग उसके दिन गिनते रहते हैं, जो काम करता है उसे लोग काम देते रहते हैं। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर बैंकॉक में पीएम मोदी ने जारी किए स्मारक सिक्के, संत थिरुवरल की कृति थिरुवरल काल का थाई भाषा में जारी किया अनुवाद। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक दिन बाद 164 जवान सेना में हुए शामिल, पासिंग आउट परेड में लिया हिस्सा। 21 साल से कम उम्र के हैं लद्दाख स्काउट्स के ये जवान, देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं जवान। गृहमंत्री अमित शाह से मिले लद्दाख के पहले गवर्नर आर के माथुर, शपथ समारोह के बाद पहली मुलाकात। मध्य प्रदेश में पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म, तहसीलदार से मारपीट केस में कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कमलनाथ और जगदीश टाइटलर को पार्टी से निकालने की अपील। बीएचएफएल केस में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपीपीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु और जीएम प्रवीण कुमार गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, बिजली कर्मचारियों के पीएफ फंड में धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस के बीच सियासी सरगर्मी जारी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर मिले एमएनएस चीफ राज ठाकरे। आज तक से बातचीत में शिवसेना के संजय राउत का बड़ा दावा, लिफाफा दिखाते हुए कहा हमारे पास सरकार बनाने लायक बहुमत। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी शर्त, सत्ता के बंटवारे से इनकार वाले बयान पर फडणवीस दे सफाई, तभी होगी आगे की बात। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत की लंबी मंत्रणा, कहा 5 नवंबर के बाद तस्वीर होगी साफ।
महाराष्ट्र की सियासत पर एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा दो घोड़ों की सवारी करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। खतरनाक प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर, बूंदाबांदी से प्रदूषण में कमी के आसार। प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत जारी, केजरीवाल का आरोप, पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने में रही नाकाम। हरियाणा के चरखे दादरी के एक सरपंच के अनोखी पहल, पराली न जलाने वाले किसानों को अपने खर्च पर करा रहे हवाई यात्रा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर सुनवाई, सरकार ने पराली को माना प्रदूषण की वजह। प्रदूषण से बचने के लिए लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीजल से चलने वाले अवैध टेम्पो और टैक्सी पर लगाया बैन। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में हिंसक झड़प का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस और वकीलों के बीच जमकर मारपीट। वकीलों ने पीसीआर वैन को फूंका, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले घायल। दिल्ली पुलिस ने चलाई गोली फायरिंग में एक वकील घायल, एसआईटी को सौंपी गई पूरे मामले की जांच। आरोपी की पेशी के दौरान पुलिस वालों और वकीलों में हुई थी बहस, हंगामे के दौरान एक कैदी कोर्ट से हुआ फरार। दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल का किया ऐलान, 4 नवंबर को दिल्ली की निचली अदालत में नहीं काम करेंगे वकील। चिन्मय आनंद यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता पर भी कसा शिकंजा, डीपीएस राठौर के घर किसे लैपटॉप और पेन ड्राइव साथ ले गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जताई नाराजगी, अखाड़ों के स्थायी कार्य शुरू नहीं होने पर जताई चिंता। उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। धर्मशाला में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा एक कार्यक्रम में पहुंचे, हजारों लोगों ने कार्यक्रम में किया शिरकत। हरदोई में 2 मंजिले पर चढ़ा सांड, जेसीबी मशीन से सांड को उतारा गया, देखने वालों का लगा मौके पर मजमा। एटा जिला कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में 19 साल बाद 3 पुलिसकर्मियों को सुनाई 5 साल की सजा। शिमला में जल्द लागू होगा ग्रीन टैक्स, दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों से वसूला जाएगा टैक्स। लखनऊ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी सरकार अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे, डेंगू से अब तक 22 लोगों की मौत। त्रिपुरा में बीएसएफ के जवान ने किया सुसाइड, अपनी सर्विस राइफल से मारी खुद को गोली। राजस्थान के बाड़मेर में अनोखा चमत्कार, 28 साल बाद अपने परिवार से में वापस लौटा युवक। बाराबंकी में 2.5 बीघा जमीन के लिए बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां की हत्या की, पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ड्यूटी पर तैनात बाइक सवार पुलिसकर्मी को रौंदा। गुरुग्राम में ज्वेलर के दुकान में चोरी की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दुकान का ताला तोड़ने में नाकाम रहे चोर। मुक्तसर में चोरी की अनोखी वारदात, बंदूक की नोक पर 4 जींस की पैंट और 2 शर्ट लेकर लुटेरे फरार। सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां, एक युवक की मौत। लखीमपुर खीरी में 2 अज्ञात बदमाशों ने स्थानीय पत्रकार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, हादसे के बाद पेड़ से अटक गई कार। राजस्थान के भरतपुर में ठगों की नई कारस्तानी, खुद को कांग्रेस विधायक का पति बताकर ठगे 50,000 रुपए। हरिद्वार में हाथी ने एक महिला समेत 2 को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बनाया बंधक। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का आरोपी, एक दिन में 2 लोगों की हत्या के बाद तीसरे में गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में पत्नी की हत्या कर भाग रहा पति चढ़ा भीड़ के हत्थे, लाठी डंडे रॉड से पीट पीट कर हत्या। कानपुर में सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे कारोबारी की हत्या की, लाश को खेत में दफनाया। यूपी के हरदोई में नहर के किनारे मिली युवक की लाश, पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। यूपी के अलीगढ़ में अजीबोगरीब घटना, प्रेमिका ने रुकवाई प्रेमी की सगाई, पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के चित्रकूट में महिला को अगवा कर गैंग रेप, आरोपियों ने रेप का वीडियो किया वायरल। गाजियाबाद में पशु चोरी की वारदात आई सामने, सीसीटीवी में करीब 6 चोर 2 भैंस को लेकर हुए चपट। महोबा में एक प्रेमी की पीट पीट कर हत्या, लड़की के घर वालों ने मार डाला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के 24
परगना में पुलिस वालों पर बदमाशों ने की फायरिंग, तीन जख्मी, छापा मारने गई पुलिस पर हुआ हमला। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने पकड़ी करीब 1130 पेटी शराब। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस के हत्या चढ़े अपहरणकर्ता भीमसेन सिंह को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, 5 गिरफ्तार। दिल्ली में साहित्य आज तक 2019 का आज तीसरा दिन आज ही है साहित्य महाकुंभ 2019 का समापन। आज तीसरे दिन गायक अनूप जलोटा और पंकज उदास मचाएंगे धूम, साथ ही हंसराज हंस और शुभम मुद्गल जैसे दिग्गज बढ़ाएंगे मंच की शोभा। साहित्य आज तक में दूसरे दिन भी संगीत की सची महफिल, रूहानी सिस्टर्स ने खूबसूरत कव्वालियों से बांधा समा। भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जमाया रंग, जिया हो बिहार के लाला और रिंकिया के पापा गाकर लोगों को झूमने पर किया मजबूर। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर भी पहुंचे साहित्य आज तक के मंच पर, वर्तमान राजनीति पर किया व्यंग। गीतकार रिशाद कामिल के इंक बैंड ने दी खूबसूरत परफॉर्मेंस, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ झूम उठे दर्शक। टीवी की दुनिया के सितारे शैलेश लोढ़ा की ने बढ़ाई मंच की खूबसूरती, अपनी कविता सुनाकर सभी को किया भावुक। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने लोगों के साथ की जमकर मस्ती, बुंदेलखंडी भाषा में कही जाने वाली लोकोक्तियां सुनाकर लोगों को हंसाया। साहित्य आज तक के मंच से गीतकार प्रसून जोशी ने देश प्रेम का संदेश दिया। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और कवि समीर ने भी साहित्य आज तक के मंच से अपने अनसुने गीत और कविताएं सुनाई। दो दिन के दौरे पर गैंगटॉक पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सिक्किम यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। पंजाब के संगरूर में अनोखी शादी, गौशाला में दूल्हा दुल्हन ने लिए साथ फेरे। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, अवैध तरीके से रखे 13,500 अमेरिकी डॉलर को जब्त किया। शाहरुख खान ने ऑडिटोरियम में अपने फैंस के साथ मनाया जन्मदिन, लोगों की डिमांड पर जमकर किया डांस। बॉलीवुड एक्टर अली खान ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा विश्व में देश का नाम आगे बढ़ाने का काम किया। भारत और बांग्लादेश के बीच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला T20 मैच, मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने की जमकर प्रैक्टिस। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस करवाया, पसीना मास्क पहने नजर आए कुछ खिलाड़ी। दिल्ली के प्रदूषण का बांग्लादेश टीम पर असर नहीं, कप्तान महमूदुल्ला रियाद ने कहा क्रिकेट पर है फोकस। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का हुआ अनावरण, 2020 में भारत में होगा आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, LOC अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने किया अनावरण। 9,000 एकड़ में फैली कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, आग के चपेट में आने से 2300 घर जलकर खाक। पेरू में ज्वालामुखी पर चढ़ा पर्वतारोहियों के एक ग्रुप, ज्वालामुखी के क्रेटर धुआं निकलने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़, राष्ट्रपति भवन का घेराव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बदला अपना पता, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की जगह अब फ्लोरिडा के पाम बीच को बनाया मूल निवास। कोलंबिया के जू में लंबी नाक वाले बेबी टापर का जन्म, जू के कर्मचारी बॉटल में दूध पिलाकर कर रहे देखभाल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।